Last time we have done till last एग्जम्पशन सर्टिफिकेट्स तक किया था और एग्जम्पशन बताया था और लोड लाइन करना था। तो लोड लाइन में क्या है इम्पोर्टेंट? तो जनरली इट इज 310 to 330। तो इसमें लोड लाइन में यहाँ पे हमें एक्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास 310 to 330 है। तो ये जो 310, इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं? हमारा जो लोड लाइन होता है ना, वो कुछ इट इज समथिंग लाइक दस। लोड लाइन में हमारे पास ये ऐसे जस्ट हमारे पास लोड लाइन में जैसे ऐसे थ्री लाइंस रहती हैं एक तरीके। मैं बस यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ कि वो थ्री लाइंस रहती हैं हमारे पास, मतलब दैट इज समर, ट्रॉपिकल और विंटर वाली। वो तीन लाइन है और एक नई, मतलब एक लाइन जो कि तीनों कनेक्ट करती है, मतलब थ्री लाइंस होती हैं और एक प्रिंसिपल मार्क होता है जो कि जीरो की तरह होता है। तो इस तरीके से मैंने याद किया होता है कि थ्री इसमें किस तरीके से, हाउ आई कैन रिमेम्बर कि 310 से लोड लाइन स्टार्ट होता है। लोड लाइन हमारे पास तीन होती हैं, जैसे ट्रॉपिकल, समर, विंटर। ठीक है, विंटर नॉर्थ अटलांटिक भी होती है, बट जनरली फॉर दैट पर्पस याद करने के लिए वो तीन होती हैं, क्योंकि तीन डायरेक्शन दिखा दिया उन्होंने। फिर एक जो लाइन होती है वो वर्टिकल होती है पूरी, तो थ्री लाइन्स जो कि वन हो गया और प्रिंसिपल मार्क जीरो हो गया। तो इसको 310 की तरीके से, इस तरीके से मैंने याद किया था। और इसमें भी जो है वो दे हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हमें जो हमारा एनेक्स वन है ऑफ द लोड लाइन, या जो लोड लाइन कन्वेंशन है, उसके अकॉर्डिंगली ही हमें मेंटेन करना है, और इसमें कुछ और नहीं लिखा हुआ है। 310 देन पावर टू मेक रूल्स एज द लोड लाइन द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्टेड टू द कंडीशन ऑफ द पब्लिकेशन make rules thereafter the act as in load line rules regulation and the survey of the ships for the purpose of the assignment and making of the load line and prescribing the condition. So condition of assignment of on the load lines may be assigned. और यहाँ पे marking on deck line and load line. This may be keel laid provisions. इसमें भी वही जो अपना लोड लाइन कन्वेंशंस हैं उसी के लिखे हुए हैं, जनरली नथिंग एल्स इज देयर। तो ये वाले हैं इसमें जो इशू ऑफ लोड लाइन सर्टिफिकेट, ड्यूरेशन एंड कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन कब होगा, बट दे आर नेवर आस्क्ड। शिप नॉट प्रोसीडिंग टू सी विदाउट सर्टिफिकेट, इसमें तो नो शिप बोला ही गया है। सेक्शन 316। तो यहाँ पे बस ये है कि एग्जिस्टिंग शिप का 150 टन ग्रॉस, तो इसको लोड लाइन सर्टिफिकेट्स चाहिए, या इंडिया में इशू होते हैं इस इन वेसल्स एंड अबाउ पे। दिस वन आई वाज दिस वन इज हियर स्पेशल प्रोविजन आस्क टू द शिप्स अदर देन इंडियन शिप, ये पूछा जाता है। दिस इज बीन आस्क्ड कि 321 इशू ऑफ एन लोड लाइन सर्टिफिकेट्स टू द फॉरेन शिप्स इन इंडिया एंड इन द इंडियन शिप्स इन द फॉरेन। ये वाला मतलब
जस्ट टू नो कि अगर पूछा गया प्रोविजन कि स्पेशल प्रोविजन क्या है शिप्स अदर देन इंडियन शिप्स के लिए, तो ये 321 से स्टार्ट होता है, एम एस एक्ट 1958 सेक्शन 321, 322, 23, ये सब है, यही सब है, दे ऑल आर देयर टिल 28, लो लाइन सर्टिफिकेट एग्जम्प्शन ऑफ द शिप्स अदर देन इंडियन शिप्स, यस दिस टिल 328 तक है. Certificate to be produced to a customs by the ships other than Indian ships registered in a non-convention countries. So, ये 329 भी, just to remember this also, कि 329 भी, कि क्या लिखा हुआ है. 329 में क्या है कि certificates to be produced to the customs by the ships other than Indian ships registered in non-convention countries. तो इसमें बस जो important है वो ये है, load line certificate कैसे बनता है, तो वो section 321 से लेकर के हमारे पास 321 से लेके 330 तक में सब कुछ include हो जाता है. अब 330 ये रहा, इसमें timber का आता है, तो ये timber हम लोग बोल सकते हैं कि 330 फॉर द टिम्बर, तो इसमें भी लिखा हुआ है कि एज पर द लोड लाइन ही हमें जाना है, तो दिस वन. और बाकी इसमें अगर स्पेशल प्रोविजन पूछा जाता अदर देन इंडियन शिप्स, देन वी हैव टू कम टू द सेक्शन जहाँ पे थ्री ट्वेंटी थ्री से लेके 330 तक बोल सकते हैं हम लोग कि अदर देन इंडियन शिप्स के लिए, तो 323 भी इसमें आ जाएगा ये सब. एक बार अगर रीड करना है तो वी कैन जस्ट गो इनसाइड एंड रीड, बट दिस इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी, बस इसमें ये पूछा जाता है लोड लाइन का क्या है. लोड लाइन का 321 से लेकर के 330 तक है, टिम्बर का 330 है, और जो बाकी हैं उसमें अदर देन इंडियन शिप्स के लिए पूछा जाता है. सॉरी इसमें भी अदर देन है, ये पूरा प्रोविजन ही अदर देन इंडियन शिप्स के लिए है. लोड लाइन पूछा जाता है 310 से लेकर 330 है, दैट वॉज रॉन्ग जो अभी अभी मेरे मुँह से निकल गया, तो ये 310 से लेके 330 तक है. और जो स्पेशल प्रोविजन है जो कि अदर देन इंडियन शिप्स के लिए है, दैट इज 321 से 330 तक का, जिसमें भी 330 में भी टिम्बर कैरियर्स हैं, तो वी हैव टू से दिस ओनली. या 329 तक कह सकते हैं, टिम्बर कैरियर का नहीं कहेंगे, टिम्बर कैरियर का जब पूछा तो 330 बोल देंगे, दैट इज देयर ओनली. तो लोड लाइन का जस्ट एक बार विल गो थ्रू क्योंकि नो कन्फ्यूशंस. तो लोड लाइन जो है वो 310 से लेकर के 330 तक आएंगे अपने. Here it is the beginning. तो लोड लाइन 310 से 330 तक फिनिश. लोड लाइन कैसे मार्क करेंगे सर, 310 से 330 तक ये सारे प्रोविजंस हो जाते हैं, यहाँ तक 330 तक. उसके बाद इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन होता है वो होता है कि अदर देन इंडियन शिप्स, तो 321 से वो स्टार्ट है हमारा, 321 से 329 तक. उसके बाद टिम्बर के लिए तो सीधा 330 बोलना है, बस इतना याद रखना है. इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो एज पर यही लिखा हुआ है कि लोड लाइन के लोड लाइन जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, बस यही सब लिखे हुए हैं, नथिंग स्पेशल इज रिटन इन दैट. तो दिस वन इज फिनिश्ड, वी विल गो फर्दर. कैरेज ऑफ डेंजरस गुड इसमें भी लिखे हुए हैं, ग्रेन लोडिंग प्लानिंग, ग्रेन सब डिविजन, ये सेक्शन 334, दिस इज इम्पोर्टेंट. अनसीवर्दी शिप, तो जो ये अनसीवर्दी शिप है ना, इसकी ये डेफिनेशन जो है ये वाली फिफ्थ, दिस इज टू बी रट ऑफ आउट,
ये वाली सिर्फ डेफिनेशन टफ हो करनी है, इसमें ठीक है लिखा हुआ है तो ये सब बस वी कैन स्टडी दिस वन कि एवरी पर्सन हु सेंड्स और अटेम्प्ट्स टू सेंड एन इंडियन शिप टू द सी फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया इन सच एन अनसीवर्दी state that the life of any person is likely to be thereby in danger shall unless he proves that he used all reasonable means to ensure her being sent to be sent see मतलब यही सब लिखा हुआ है कि अगर किसी ने किया तो he will be guilty of an offence, ये लिखा हुआ है. और क्या every master या Indian ship of an Indian ship, ठीक है, वो मतलब लेके नहीं जाएंगे. अगर उसने ऐसा किया तो अगेन ही विल बी आल्सो गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग सच प्रूफ एवरी पर्सन चार्ज्ड अंडर द सेक्शन मे गिव एविडेंस इन द सेम मैनर नो प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड एक्सेप्ट बाय और विद द कंटेंट ऑफ, ठीक है. तो इसमें बस यही लिखा है कि नो पर्सन शुड टेक, अगर वो करेगा तो ही विल बी गिल्टी. उसका जो ये डेफिनेशन है अनसीवर्दी की, दिस इज टू बी रट अफोर्ड, ये इसमें भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. इसमें लिखा अ शिप इज अनसीवर्दी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, तो ये भी बोल सकते हैं. उसके बाद वी हैव टू रट अफोर्ड फ्रॉम हियर वेन से यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ वेन से स्टार्ट करके वेन द मटेरियल ऑफ विच शी इज मेड, किस मटेरियल की बनी हुई है हर कंस्ट्रक्शन, क्वालिफिकेशन ऑफ मास्टर हो गया, नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द क्रू इंक्लूडिंग ऑफिसर. तो यहाँ से जो ये वेन है, यहाँ वेन से लेके ऑफिसर तक शिप बना दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया, क्वालिफिकेशन ऑफ मास्टर, नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्रू एंड ऑफिसर्स, ये सब बता दिया. फिर उसके बाद यहाँ से कार्गो का है थोड़ा सा, द वेट, डिस्क्रिप्शन एंड स्टोरेज ऑफ कार्गो एंड बलास्ट, द कंडीशन ऑफ हर हल एंड इक्विपमेंट, हल के साथ इक्विपमेंट आ गया है. और यहाँ पे भी देख वेट, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन है, ये सेम वर्ड है. फिर यहाँ पे हल के साथ इक्विपमेंट, हल और इक्विपमेंट एक साथ आ गया, बॉयलर और मशीनरी एक साथ आया हुआ. तो ये वी हैव टू लाइक हल इक्विपमेंट बॉयलर मशीनरी आर नॉट, वो ऐसे नहीं है, आर नॉट सच एज टू रेंडर हर इन एवरी रिस्पेक्ट फिट फॉर द प्रपोज्ड वॉयज और सर्विसेज. तो ये वाली जो डेफिनेशन है, मैंने फर्स्ट टाइम जब याद किया था तो इसमें मुझे, क्योंकि वर्ड्स हैं तो वर्ड्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी. इवन शी इज मेड, हर कंस्ट्रक्शन, क्वालिफिकेशन ऑफ द मास्टर, सो वॉट आई डिड कि मैंने इवन द मटेरियल ऑफ विच शी इज मेड, हर कंस्ट्रक्शन, क्वालिफिकेशन ऑफ मास्टर, मैंने आधी डेफिनेशन याद कर ली थी यहाँ तक, क्रू इंक्लूडिंग ऑफिसर, आधी डेफिनेशन याद करके ये एक दिन मैंने रख लिया. फिर नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो फिर मैंने इसको दोबारा, पहले तो इसी को विद इन द, मतलब यहाँ से वेन से स्टार्ट करके यहाँ तक बोला. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड फर्दर, तो यहाँ से मुझे सिर्फ ये बलास्ट तक याद हुआ, बाकी मैं गड़बड़ कर दे रहा था. तो देन आई रिमेम्बर फ्रॉम वेन टू बलास्ट, देन अगेन नेक्स्ट डे द कंडीशन ऑफ द इक्विपमेंट मशीनरी तक, फिर मुझे इस वाली लाइन में प्रॉब्लम. तो इट टुक 3 to 4 days टू रट अप ऑफ दीज डेफिनेशन समटाइम्स. तो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, कुछ लोग बहुत जल्दी याद कर लेंगे, बट आई कैन नॉट डू सो फास्ट. तो मेरे को टाइम लगा था इस डेफिनेशन को, बस इतनी चार लाइनों को याद करने में भी. तो आई होप किसी और को ना लगे. Then we have, yeah, 336, power to detain unsafe ship. तो ये जो है ये flag state का है power. तो इसमें जो लिखा हुआ है कि when an Indian ship in any port to which the central government may specially extend the this section is an unsafe ship. This is saying, ठीक है ये सब, it is okay. इसमें जो इम्पोर्टेंट है दैट वी विल सी कि 336 में क्या इम्पोर्टेंट है. इसमें है यहाँ से, द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ हैज़ अ रीज़न टू बिलीव ऑन कंप्लेन और अदरवाइज दैट एनी सच शिप इज अनसेफ मे ऑर्डर द शिप टू बी प्रोविजनली डिटेन्ड एज एन अनसेफ शिप.
तो ये इम्पोर्टेंट कि पावर ऑफ डिटेंशन जो फ्लैग स्टेट का वो कैसे है, वो इस तरीके से है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई रीज़न हो गया बिलीव करने का, या कंप्लेन आ गई या कुछ और आ गया, तो उसके बेसिस पे वो प्रोविजनली डिटेन कर लेंगे शिप को. ओके, और क्या करेंगे, डिटेन करके अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स ऑफ सच डिटेंशन शैल बी फोरफिट सर्व टू द मास्टर ऑफ द सच शिप. मास्टर को दे देंगे, मास्टर को दे दिया. देन द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविजनल ऑर्डर्स द डिटेंशन ऑफ द शिप, इट शैल ईदर रेफर द मैटर टू द कोर्ट ऑफ सर्वे. और बाद में क्या करेंगे, वो रेफर द मैटर टू द कोर्ट ऑफ द सर्वे फॉर द पोर्ट वेयर द शिप इज डिटेन्ड, और फोर्थवर्थ अपॉइंट सम कंपिटेंट पर्सन टू सर्वे. तो ये क्या करेंगे, कोर्ट में मैटर डाल करके और किसी कंपिटेंट पर्सन को सर्वे पे डाल दिया. उसके बाद क्या है कि ओके, बिफोर एन ऑर्डर ऑफ फॉर फाइनल डिटेंशन इज मेड, अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट शैल बी सर्व्ड अपॉन द मास्टर ऑफ द शिप. तो ये बोला गया है कि अगर होगा तो फाइनल डिटेंशन, मगर फाइनल डिटेंशन अभी हुआ नहीं है. यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, रेफर कर, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट दे दी मास्टर को सबसे पहले, तो यहाँ पे ये प्रोविजनली डिटेन कर दिया, यहाँ पे ये प्रोविजनली डिटेन कर दिया. उसके बाद ये रिटर्न स्टेटमेंट दे दी. रिटर्न स्टेटमेंट देने के बाद इन्होंने कोर्ट में बता करके कंपिटेंट पर्सन दे दिया. उसके बाद क्या होगा, ये होगा यहाँ से, विद इन 7 days ऑफ सच सर्विसेस द ओनर एंड द मास्टर में अपील अगेंस्ट द रिपोर्ट. ये वाला होगा कि विद इन 7 days आफ्टर सच सर्विस द ओनर ऑफ द मास्टर में अपील अगेंस्ट सच रिपोर्ट इन द मैनर प्रिस्क्राइब टू द कोर्ट ऑफ द सर्वे फॉर द पोर्ट वेयर द शिप इज डिटेन्ड. तो उन्होंने प्रोविजनली डिटेन कर दिया, और प्रोविजनली डिटेन करके उसके बाद कोर्ट में केस बना दिया, कंपिटेंट पर्सन दे दिया, और जो मास्टर और ओनर है उस शिप का, उसके पास भी विद इन 7 days ये ही इज़ हैविंग द राइट टू अपील अगेंस्ट, और अपील अगेंस्ट करेंगे वो लोग. उसके बाद क्या करेंगे, वो दे कैन डू, व्हेन अ शिप हैज़ बीन प्रोविजनली डिटेन्ड एंड अ पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन ऑफ द सर्वे ऑफ सच द ओनर ऑफ द मास्टर ऑफ द शिप एट एनी टाइम बिफोर सच पर्सन मेक्स दैट सर्वे में require that he shall take with him as assessor such person as the owner, with him assessor person as the owner or the master may select, being a person named in the list of the assessor for the court of the survey, or if not such, then, or if it is impractical to pursue attendance list. Okay, skill and experience. तो इसमें क्या किया कि ये ओनर और सर्वे ने मतलब विद इन 7 days जो है उन्होंने बताया कि हम लोगों भी अपील अगेंस्ट करेंगे. तो अपील अगेंस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, वो अपील अगेंस्ट का तो एक लेटर डाल देंगे, साथ साथ में एक असेसर जो है वो डाल देंगे, या कंपिटेंट पर्सन वो भी ले सकते हैं. तो जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिम एज असेसर सच पर्सन और द, मतलब ये असेसर एक ले लेंगे या कोई भी बंदा ले लेंगे, जो कि जो असेसर होगा वो नॉटिकल या इंजीनियरिंग ब्रांच होगा, जिसके पास सफिशिएंट स्किल हो, या जो भी हो बंदा वो होगा, और नहीं तो ये कंपिटेंट पर्सन उठा लेंगे. तो ये असेसर भी ले सकते हैं जो अपने ओनर्स और ओनर हैं और मास्टर हैं, और ये असेसर भी ले सकते हैं. तो ये दोनों में से कोई भी ले लेंगे. अब ये दोनों लोग कौन, जो मास्टर और ओनर ने एक बंदे को लिया, वो बंदा जो कि असेसर है, और जो यहाँ पे कोर्ट ऑफ सर्वे में जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपिटेंट पर्सन रखा वो बंदा, ये दोनों सर्वे करेंगे. और उस सर्वे के, इफ द सर्वेयर एंड द असेसर एग्रीड दैट द शिप शुड बी, ये रहा ना सर्वेयर, तो कंपिटेंट पर्सन को सर्वेयर बोल दिया, और असेसर जो है वो मास्टर और ओनर वाले को बोल दिया. एग्रीड दैट द शिप शुड बी डिटेन्ड और रिलीज द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल
cause the ship to be detained or released accordingly, and the owner or the master shall have no right to appeal. In the survey and the assessor differ in their report, the central government may act as it requisition has to be. ठीक है, तो यही सब है, nothing else. तो ये वाला मैं पूरा ढंग से बता देता हूँ एक बार और. ये वाला कि पावर टू डिटेन अनसेफ शिप का, तो इसमें जो है दिस इज, सबसे पहले तो कोई कंप्लेन आई जो कि पार्ट ए में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविजनली डिटेन करेगा. प्रोविजनली उसने डिटेन किया ऑन द कंप्लेन और बिलीव और अदरवाइज, मतलब कि फाइंडिंग्स पे उन्होंने फाइंड भी कर लिया कुछ, तो दे विल डिटेन. और डिटेन करके क्या करेंगे, रिटन ग्राउंड ऑफ डिटेंशन विल बी सर्व टू द मास्टर ऑफ द शिप. मास्टर को दे दिया, फिर क्या करेंगे, कोर्ट में इस मैटर को लेके जाएंगे और एक कॉम्पिटेंट पर्सन या सर्वेयर अपॉइंट कर देंगे. इन्होंने अपना अपॉइंट कर दिया. इसके पैरेलल में जो जब मास्टर को मिल गया, तो मास्टर क्या करेगा, विद इन 7 days ही विल अपील अगेंस्ट दैट कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसके अपील, उसको अगेंस्ट में अगेंस्ट अपील करेगा, उसके अगेंस्ट अपील करेगा. और ही विल ऑल्सो अपॉइंट अ असेसर, जो कि यहाँ पे इसने असेसर अपॉइंट कर लिया था. ही विल ऑल्सो अपॉइंट अ असेसर. अब असेसर जो कि मास्टर और ओनर की तरफ से है वो वाला, और जो कम्पिटेंट पर्सन है या सर्वेयर है जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, वो दोनों फाइंड आउट करेंगे कि हाँ शिप पे कोई भी कमी है या नहीं है, या शिप जो है इट इज़ सेफ. तो वो अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली कि उन दोनों के फाइंडिंग के अकॉर्डिंगली जो कोर्ट है वो फाइनली डिटेन करेगी या रिलीज कर देगी वेसल को. तो दिस इज अबाउट दिस 336 और 342 में भी ऐसा ही है, दैट इज़ ऑल. उसमें बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज हैं. ये जो था 336, ये जो है ये फ्लैग स्टेट का है, मतलब इंडियन शिप है उसके लिए. अगर फॉरेन शिप्स हो तो क्या होगा, यहाँ पे लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी है, 337 भी ये वाला, इट इज ऑल्सो गुड वन. अगर इन्होंने रॉन्ग डिटेन कर दिया तो जो भी लॉस हुआ है यहाँ से, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी लायबल टू पे टू द ओनर ऑफ द शिप हिज कॉस्ट ऑफ द इंसिडेंट टू द डिटेंशन एंड द सर्वे ऑफ द शिप एंड ऑल्सो कंपनसेशन फॉर एनी लॉस ऑफ द डैमेज सस्टेन बाई हिम बाई रीजन ऑफ द डिटेंशन और सर्वे. तो मतलब अगर इन लोगों ने गलत तरीके से भी किया है तो इनको भी पैसे देने पड़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स. ये 342 क्या है, एप्लीकेशन to the ship other than Indian ships of the provision to the to detention, मतलब ये foreign ships के लिए. तो इसमें क्या होगा, वही लिखा हुआ है जो उसमें था कि unsafe ship हो ये, मतलब it is उसमें first paragraph में I think same things are written 330. When Indian ship off in any port of the central government, unsafe, this is to the reason, defect of, ये देखो, defect of condition of hull, equipment, machinery, reason, ये serious, this, this is human life having regarding, ये वाला जो part है, defect, condition, and all this, 342, वही, वाला जो है दैट इज हियर आल्सो कि व्हेन द शिप इंडियन पोर्ट अनसेफ रीजन ड्यू टू हल मशीनरी इक्विपमेंट द शिप, तो मतलब यही है कि एक अनसी वर्जी शिप है, देन क्या करेंगे, डिटेन कर लिया तो उसको पहले प्रोविजनली डिटेन करेंगे, प्रोविजनली प्रोविजन ऑफ द पार्ट डिटेन द शिप शैल अप्लाई दैट द शिप इफ द
तो उसे डिटेन कर लिया इन लोगों ने। डिटेन करके क्या, अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर फॉर द प्रोविजनल डिटेंशन, यहाँ पे प्रोविजनली डिटेन किया था ना, तो प्रोविजनल डिटेन ऑफ द शिप शैल फोर्थविथ विद सर्व टू द काउंसुलेट ऑफिसर फॉर दैट कंट्री। तो ये काउंसुलेट ऑफिसर के पास चला जाएगा प्रोविजनली डिटेन करके, काउंसुलेट ऑफिसर को एक कॉपी दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मास्टर को नहीं देंगे, मास्टर को तो देंगे ही देंगे, मगर एक काउंसुलेट ऑफिसर के पास भी जाएगा। अब क्या करेगा, जो काउंसुलेट ऑफिसर है एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ओनर एंड द मास्टर ऑफ द शिप, वो क्या करेगा कि मे रिक्वायर दैट द पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सर्वे द शिप शैल बी अकंपनीड बाय सच अ पर्सन द सर्वे द केस ऑफ द सर्वे दैट पर्सन एग्रीड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो इसमें क्या है कि काउंसुलेट ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और कि सर्वेयर हमें दे दो। तो वो एक सर्वेयर, उसमें असेसर था बट इसमें क्या है सर्वेयर है, तो ये सर्वेयर जो है ये अपॉइंट कर देंगे। जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो 342 में क्या किया कि वेसल को प्रोविजनली डिटेन कर लिया, प्रोविजनली डिटेन करके काउंसलर ऑफिसर को और मास्टर को दोनों को, काउंसलर ऑफिसर को तो कॉपी जानी चाहिए, मास्टर को डिटेंशन बता दिया कि भैया तुम्हारी शिप जो है वो प्रोविजनली अभी डिटेन हो गई है। तो अब मास्टर और ओनर क्या करेंगे कि वो काउंसलेट ऑफिसर को बोलेंगे कि प्लीज़ आप उनकी जो गवर्नमेंट है या जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडिया की बात करते हैं, एक हो रही है वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है प्लीज़ रिक्वेस्ट देम टू गिव अस अ सर्वेयर टू सर्वे द वेसल। तो इंडिया ने तो इन्हें डिटेन कर लिया बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपना भी सर्वेयर रखेगी और एक मास्टर और ओनर को भी एक सर्वेयर दे देगी कि भाई लो। अब ये दोनों सर्वेयर फिर सर्वे करेंगे और उसके बाद इन दोनों की फाइंडिंग्स के बेसिस पे वेसल को फर्दर फाइनली डिटेन किया जाएगा या रिलीज किया जाएगा। तो ये इसी तरीके से काम है, उसमें भी यही होगा, बस इसमें क्या है कि इसमें सर्वेयर ही आता है, इसमें वो उसमें जो अपना 336 है उसमें असेसर आ जाता है, उसमें असेसर आ जाता है, इसमें असेसर नहीं आता, इसमें सर्वेयर ही रहता है। तो यही है इसमें, और इधर सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है। तो इसमें बस यही लिखा हुआ है कि प्रोविजनली डिटेन कर लिया, प्रोविजनली डिटेन करने के बाद एक कॉपी काउंसलेट ऑफिसर को दे दिया, काउंसलेट ऑफिसर को मास्टर और ओनर ने रिक्वेस्ट किया तो कि हमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके एक सर्वेयर दिला दो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से वो रिक्वेस्ट करके एक सर्वेयर दिला देंगे और जो मास्टर और ओनर का सर्वेयर है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेयर है वो दोनों सर्वे करेंगे वेसल को फर्दर और उन दोनों के बेसिस पे फिर जो शिप है वो फर्दर डिटेन होगी या रिलीज हो जाएगी। सो दिस इज ओनली द थिंग अबाउट 342, इसमें सर्वेयर बोलना उसमें असेसर है, दिस इज ओनली द डिफरेंस थोड़ा सा कि जो कि रिमेंबर करना है। ओके, ये यहाँ पे ये वाला 348 ड्यूटी ऑफ द मास्टर ऑफ द शिप टू असिस्ट इन केस ऑफ कोलिशन, कोलिशन एंट्री 349, रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द इंसिडेंट, ये वाला
नोटिस ऑफ लॉस ऑफ इंडियन शिप टू बी गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाला। ओके, द ड्यूटी ऑफ द मास्टर टू असिस्ट असिस्ट इन केस ऑफ कोलिजन, तो ये कोलिजन में है कि हाँ मास्टर को रेंडर करना है असिस्टेंस एंड ऑल दिस, दिस इज रिटन। और सर द कोलिजन टू बी एंटर्ड इन टू द ऑफिशियल लॉग बुक, तो ऑफिशियल लॉग बुक में इसकी एंट्री करनी है। और क्या है केस ऑफ द स्टेटमेंट, ये लिखा है कि कौन कौन साइन करेगा, मास्टर मेट एंड वन ऑफ द क्रू मेंबर शुड साइन ऑल्सो, रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ द शिप व्हेन अ शिप हैज अंडर सस्टेन्ड और कॉज एन एक्सीडेंट, तो मतलब ये रिपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 24 आवर्स आफ्टर द एक्सीडेंट और द डैमेज एज सून देयर आफ्टर पॉसिबल, ट्रांसमिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नियर प्रिंसिपल ऑफिसर रिपोर्ट द एक्सीडेंट, यही सब है। और ऑफिस ऑफिशियल नंबर, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, प्लेस वेयर शी इज, तो बस ये जो है इसके साथ जो है विद इन 24 आवर्स इट शुड बी रिपोर्टेड बैक टू द क्लोजेस्ट प्रिंसिपल ऑफिसर। फिर नोटिस ऑफ लॉस ऑफ इंडियन शिप, तो ये तो ASAP, ओनर और द एजेंट ऑफ द इंडियन शिप हैज अ रीजन सरकमस्टांसेस होली लॉस टोटली लॉस्ट वाला होली लॉस्ट, ओके, देयर आफ्टर स्टेटिंग द नेम ऑफ द शिप और ऑफिस ऑफिशियल नंबर इन एनी एंड पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, तो ये करना है ASAP वाला, ये वाला सिस्टम है कि अगर लॉस हो गई तो एज सुन एज पॉसिबल जो है ही हैज टू गिव द नोटिस। ओके, लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, ये भी है, इसमें भी बताना है मुझे। J&K, ये वाला, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द हमारा रिटन पार्ट, बट समटाइम्स इट इज बीन क्वेश्चन अप। तो इसमें लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी लिखे द ओनर शैल बी एंटाइटल्ड टू द लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी अंडर द पार्ट इन रिस्पेक्ट टू एनी वन और द मोर इंसिडेंट एज प्रिस्क्राइब, द ओनर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू लिमिट हिज लाइबिलिटी इफ इट इज प्रूव प्रूव दैट द इंसिडेंट कॉजेस पोल्यूशन डैमेजेस। तो इसमें पहले लिखा है कि लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी में ये लिखा हुआ है कि हाँ ओनर को मिलना चाहिए लिमिटेशन, लाइबिलिटी का लिमिटेशन होना चाहिए, कुछ नहीं कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे पैसे उसी से ले लो या सब कुछ उसी का हो गया, तो वो लिमिट होनी चाहिए। वो कैसे, वो इंश्योरेंस के फॉर्म में देते रहते हैं तो इस तरीके से उनका कवर अप हुआ रहता है, नो प्रॉब्लम। बट अगर ये प्रूव हो गया कि अगर जो इंसिडेंट हुआ है वो रेकलेसनेस एंड विद द नॉलेज ऑफ सच डैमेज विल प्रोबेबली रिजल्ट, मतलब कि एक तरीके से कि जानबूझ के हुआ है या ओनर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था उस चीज़ की तरफ, तो और उसे पता थी वो चीज़ें, इफ़ ही इट हैज़ बीन प्रूवन समथिंग लाइक दैट ही न्यू दैट द थिंग इज देयर बट ही डिडंट एक्टेड, तो उस केस में ओनर विल बी लायबल फॉर फुल कंपनसेशन। अदरवाइज सबको ये है कि हाँ भाई ओनर है, इसके ऊपर लिमिटेशन दे देंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ हो गया उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का है, बट जो ओनर है वो 1 लाख रुपए हर साल दे देता है, तो उसकी वजह से उसका इंश्योरेंस कवर अप हो जाता है, कुछ हो जाता है, यहाँ पे इंश्योरेंस ने हाथ खड़े कर लिया कि भाई हम तो नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे रेकलेस, मतलब उस जान उसको पता था बट उसने कुछ नहीं किया, इंश्योरेंस ने उठा लिया। यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी जो थी कि भैया अब तो इंश्योरेंस ने उठाया तो अब तो सारे पैसे उसे देने पड़ेंगे, तो उस केसेस को कम
कंपनसेट करने के लिए कि भैया जो इंच जो तुम्हारे पास लिमिटेशन है, क्योंकि जैसे हमारा CLC का है, दैट इज लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी वाला, इसमें थोड़ा सा केस है कि उसमें जो है 1,40,000 की जो शिप्स हैं उन पे 89.77 का जो अपना मिलियन STR का जो है वो टैप है, कि मतलब ओनर जो है वो वहां तक देगा। तो उसी को अगर थोड़ा सा कंसिडर कर ले कि वहां तक तो ओनर को देना है, ओनर वहां तक दे देगा हमारा, बट अगर उसमें पता लग गया कि नहीं, इसने इसको पता था कि इंसिडेंट ऐसा है और उसके वजह से, और उसमें मान लेते हैं कि 200 करोड़ का हो गया, 200 मिलियन STR का हो गया था, तो 89 तक तो उसे देने होते जब उसकी बिना गलती से हो गया था, बट अब तो हो गया तो उसको वो बाकी का पैसा भी देना पड़ेगा, वो 89 के ऊपर वाला। ठीक है, उसमें किसी और तरीके से देते हैं कि वो कंट्रीज देगी, वो वाली फंड देगी, बट मैं एग्जांपल बस बता रहा हूँ ये, कि अगर मान लेते हैं 200 करोड़ का हमारा इसमें लिमिटेशन डाली हुई थी, नॉट लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी के थ्रू 90 करोड़ तक देने थे और 200 करोड़ का डैमेज हो गया, तो अगर ये प्रूव हो गया कि ओनर ने मिस्टेक की है तो उसको 200 करोड़ देने पड़ेंगे, 90 करोड़ को तो छोड़ ही दो, उसको पूरा देना पड़ेगा। अगर ये प्रूफ नहीं हुआ कि ओनर की गलती से नहीं हुआ है तो उसे 90 करोड़ तक का जो उसका पार्ट है वो देना पड़ेगा, अदरवाइज ही हैज टू गिव फुल मनी। अच्छा, तो वो जो उसके बाद है के 252 कंस्टिट्यूशन ऑफ द लिमिटेशन फंड, तो वो किस तरीके से बनता है, तो ये वाला मैं नेक्स्ट में कवर अप करता हूँ, बिकॉज इट्स लॉन्ग इनफ।